उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी से इस वक्त की बड़ी खबर। अब की बार नगर निकाय चुनाव में सपा से टिकट मिला शीला सिंह को, और वहीं शीला सिंह ने मीडिया से बात करते हुए क्या बताया वो भी आपको जल्द ही सुनवाएंगे। आइए देखते हैं बड़ी खबर। नामांकन किया है, इतना महत्वपूर्ण मान रही है, इतना महत्वपूर्ण मान रही है इस चुनाव। मैं सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमें इस लायक समझा। हमारे जिले के सभी नेतागण मतलब मिलकर सबने हमारी सूची भेजी तो उन्होंने आशीर्वाद हमें दिया, इनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। मैं पूरा ईमानदारी के साथ ये सीट जीत के उनके झोली में डालेंगे, जनता हमारे साथ है। क्या चुनौती है शहर के लिए, क्या ज़रूरी है, क्या आपने महसूस किया इतने दिन में शहर में क्या होना चाहिए, क्या नहीं हो पाया? शहर में तो बहुत सारी चीज़ें की कमियाँ हैं, जैसे रोड है, पार्क वगैरह है, और नालियाँ हैं, शौचालय हैं, ये सब व्यवस्था है। क्या पिछले दिनों जो चेयरमैन रहे उनको नहीं कर पाए क्या काम? अभी हमें पता नहीं है, हम जब बनेंगे तो आप करेंगे। आप चुनाव में हैं, आपने देखा होगा, हम जहाँ जहाँ गए वहाँ नहीं बना, पूरा शहर तो अभी घूमे नहीं। भाई जी, क्या महसूस क्या रहे, क्या महसूस किया, क्या कमी है शहर में एक अच्छी नगर पालिका होने के लिए? आप इससे हमसे आप जानते हैं। अरे आप चुनाव आप लड़ रहे हैं, हम आपने माइंड मेकअप किया होगा कि आपको ये करना है? हमें करना बता तो विकास कार्य करना है ना। किस टाइप के विकास करना है? रोड बनाना है, नालियाँ बनाना है, और सफाई का ध्यान रखना है, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए शौचालय के वो करना है व्यवस्था। अरे एक सुंदर शहर बनाने का संकल्प है पार्टी का, इतना सुंदर की जिला बाराबंकी नंबर वन। शिक्षा को लेकर के क्या प्रयास रहेगा आपको, जैसे नगर पालिका चाक चौबंद रहे, अच्छी रहे, शिक्षा को लेकर के? शिक्षा के लिए उसमें कुछ अगर योजना होगी तो शिक्षा के लिए सबसे पहले करेंगे, क्योंकि बच्चे शिक्षित होंगे तो हमारा भारतवर्ष शिक्षित होगा। ठीक है, चलिए।